इंडिया वर्सेस तुर्की बेहतरीन वीडियो आज हमारे सामने है। और ये वीडियो है ग्लोबल एनालिसिस एक चैनल है उसकी, और बड़ा जबरदस्त किस्म का थंबनेल मुझे लगा यार, अट्रैक्टिव थंबनेल था तो मेरी नज़र के सामने से गुजरा, तो मैंने सोचा कि अगेन एक बेहतरीन सी वीडियो अपने नाज़रीन के सामने पेश की जाए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में किस किस्म का कंपैरिजन होगा। थंबनेल से तो लग रहा था कि कोई मिलिट्री का कंपैरिजन होगा। तो नाज़रीन, मैं हूँ रोफ काजी और आप देख रहे हैं माई रिएक्शन माई ओपिनियन। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत वर्सेस टर्की। भारत कैपिटल भारत का है न्यू दिल्ली, जैसे कि आप जानते हैं, और टर्की का है अंकारा। पॉपुलेशन 1.3 बिलियन एंड 83.38 मिलियन, बहुत कम है यार टर्की की। 14 लाख। इंडिया ह्यूज 21 लाख एंड 4 लाख। कॉम्बैट टैंक 4426, 2629। इंडिया बड़ा भी तो बहुत है ना यार। वाह 8686 एंड 8777। ओ वाह, ये तो ज्यादा है टर्की के पास। आर्मर्ड कैरियर 1353, 1353, 253 बस टर्की। व्हाट इज दिस? वाह। आर्म कार 4655 और 1293, टर्की कम है। आर्टिलरी है 5317, 1662। रॉकेट प्रोजेक्टर्स 292 और यहां पर है 462। एयरफोर्स के कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पर। अब फाइटर जेट 520 मौजूद हैं और जबकि टर्की के पास है 296, खासे कम है। लेकिन वही बात, भारत बहुत बड़ा है। अटैक एयरक्राफ्ट है 694 एंड 290 समथिंग। ट्रेनर है 359 इंडिया के पास, टर्की के पास है 276। हेलीकॉप्टर 725 फ्रॉम इंडिया एंड 606 फ्रॉम टर्की। ग्रेट। अटैक हेलीकॉप्टर 23 एंड 100। वाओ। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 250 एंड दिस इज 80। अगेन स्ट्रेंथ की बात है, आबादी की बात है। टैंकर जस्ट 600, हाँ हियर इज 7। ओके, मैंने कहा शायद तरक्की के पास एक भी नहीं है। नेवी, इंडियन नेवी एंड टर्की नेवी। जीरो, ओ माय गॉड, कमाल यार, कुछ भी नहीं है। फ्राइगेट 13 एंड फ्राइगेट 16। ओके, कॉवेट 19 एंड हिज टर्की के पास 10 है। सबमरीन 16 एंड हिज 12। मतलब टर्की ने यहां पर तो यार काफी इंडिया से ज्यादा वर्क किया हुआ है, हालांकि छोटा है। 139 इज 35 पेट्रोल के लिए यूज होती है, फिल करने के लिए। माइन वारफेयर 3 है और इधर 11 है, वही मतलब ज्यादा इधर इंप्रूव किया है तरक्की ने। डिफेंस बजट 61, मतलब 61 अरब और यहां पर 19 अरब। 1719 मर्चेंट मैरीन एंड 1277 टर्की के पास। 13 टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर 10 टर्मिनल्स हैं इनके। लेबर फोर्स काफी ज्यादा इंडिया के पास मौजूद है, खासी ज्यादा, अलबत्ता उसका हाफ से ज्यादा टर्की के पास है।
रोडवेज जो है वो तकरीबन खास से टर्की के ज्यादा लग रहे हैं। रेलवे 63,974 किलोमीटर है और 8,600 या 700 किलोमीटर के आले। न्यूक्लियर वेपन पर, अच्छा वाह, ओ माय गॉड, टर्की आर होस्टिंग यूएस न्यूक्लियर वेपन्स एज पार्ट ऑफ अ नेटोज न्यूक्लियर शेयरिंग पॉलिसी। मतलब के टर्की के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है और वहीं पर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद है 150 से 200। तो नाज़रीन बेहतरीन कंपैरिजन करके दिखाया, यहाँ पर इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इंडिया की जो आबादी है, इंडिया का जो एरिया है वो टर्की से कई गुना ज्यादा है और टर्की यहाँ पर विन, अगर परसेंटेज निकाली जाए ना इनकी, टर्की कहीं ना कहीं परसेंटेज में बराबर होगा। मैं कोशिश करूंगा कि परसेंटेज निकाली जाए, लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर 150 से 200, मतलब 150 से 200 न्यूक्लियर वेपन है इंडिया के पास, जबकि जो टर्की है वो सिर्फ वही न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिका ने उसे दिए हुए हैं या उसकी समझ लें कि उसकी मदद के से इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल टर्की जो है मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर, इंडिया में भी मुसलमान बहुत ज़्यादा रहते हैं, टर्की के मुकाबले में ज़्यादा ही रहते होंगे। अलबत्त वो जो देश है इंडिया, वहाँ पर हिंदुओं का राज चलता है, हिंदुओं की हुकूमत होती है और वहाँ पर मुसलमान शहरियों के साथ जो किया है वहाँ पर शहरियत मुसलमानों की ख़त्म कर दी गई है। अलबत्त ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर इंडिया विन करता है आई थिंक सो दैट। अलबत्त जो आप लोगों का लगता है, मतलब आप लोगों को जो पॉइंट ऑफ व्यू लगता है वो आप ज़रा शेयर कीजिएगा। इसलिए ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, तो अपनी राय का ज़रा कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाना होगा।